और उज्जैन में पूरे 2 साल बाद बाबा महाकाल की कार्तिक अगहन महीने की तीसरी सवारी निकाली गई। बड़े ही धूमधाम से बाबा महाकाल की परंपरागत रास्ते से ये पालकी निकाली गई। महाकाल के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। पुलिस बल ने बैंड बाजों के साथ महाकाल को सलामी दी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु सवारी में शामिल हुए। तीसरी परंपरागत मार्ग से बाबा महाकाल की चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। आपको हम दिखाना चाहते हैं, इसी मार्ग से पूरे परंपरागत अनुसार बाबा महाकाल की सवारी निकली है। 2 वर्ष के बाद कोरोना की पाबंदियां समाप्त करने के बाद सड़कों पर हुजूम देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं में भी बाबा महाकाल के प्रति काफी आस्था थी। आस्था के बाद बाबा महाकाल के दर्शन किए, आप श्रद्धालुओं के चेहरों पर देख सकते हैं एक रौनक लौटी है। बाबा के दर्शन किए, क्या कहना है? बाबा के 3 साल में आज दर्शन मिले, हमें बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमने बाबा महाकाल के दर्शन करे। महाकाल के और भी भक्त हैं, आपने भी दर्शन किए, क्या कहना? मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं उज्जैन का ही निवासी हूँ और ये परंपरागत मार्ग है जो महाकालेश्वर की जो अनादिकाल से जो सवारी निकल रही है, यात्रा का परंपरागत मार्ग है। और कोरोना काल के बाद ये 2 वर्ष के बाद ऐसा संभव हो पा रहा है कि बाबा महाकाल अपने शाही ठाट बाट के साथ इस परंपरागत मार्ग से निकल रहे हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, प्रजा का हाल जान रहे हैं, सुख शांति समृद्धि की सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। महाकाल बाबा खूब आनंद से दर्शन हुए हैं। वो पूरे सड़कों पर आज हमारे भगवान महाकाल के भक्त जो है, चाहे उज्जैन शहर के हो चाहे आसपास के नगर के, सब लोग पूरी सड़कें भरी हुई है। और आज आनंद हो गया कि राजाधिराज प्रभु महाकाल ने हमको दर्शन दिए और हमारा जीवन में आज हमारा आनंद का काम है, आनंद हुआ है। हमारे सारे दुख दर्द तकलीफ सब दूर होगा भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद। सब दुख तकलीफ दूर हो गए और महिलाओं के चेहरों पर एक रौनक सी लौटी है क्योंकि 2 वर्ष के बाद बाबा महाकाल ने इनके घर बैठे दर्शन हालचाल जाने हैं। तो सड़कों पर जो हुजूम निकला है बाबा महाकाल के प्रति, वो देखने लायक है क्योंकि बाबा महाकाल प्रजा का हालचाल जानने आए। तो कहीं ना कहीं बाबा भी सभी भक्तों की मनोकामनाएं इसी प्रकार पूरी करते हैं। गगन परिवार के साथ संतोष कृष्णानी बंसल न्यूज उज्जैन।